चलिए आज की क्लास में हम असाइनमेंट नंबर 9 जो है इसको करेंगे। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, एचटीएमएल का असाइनमेंट है। राइट एन एचटीएमएल प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट हाइपर लिंकिंग बिटवीन टू वेब पेजेस, क्रिएट ए मार्की एंड ऑल्सो इंसर्ट एन इमेज इन द पेज। ये क्वेश्चन नंबर 9 है एचटीएमएल का, इसको हम करने जा रहे हैं। तो इसमें हमको दो पेज में हाइपर लिंक्स बनाने हैं। तो पहला जो पेज मैंने डिज़ाइन किया यहाँ पर HTML लिखा, बॉडी लिखा, बॉडी को क्लोज किया और हम यहाँ पर इसको इंडेंटेशन से दिखाते हैं ताकि क्लियर दिखे हमको ये। तो ऐसा इंडेंटेशन में हमने दिखाया कि बॉडी क्लोज हुई है, HTML क्लोज हुआ है और एंकर टैग हमने लगाया है। एंकर टैग में हाइपर लिंक लिखा हुआ है, क्लियर। तो यहाँ पर हमने ये हमारा एक पहला पेज है जिसको मैंने डेस्कटॉप में सेव कर रखा है और डेस्कटॉप में मैंने सेव किया है कुछ इस तरीके से। असाइनमेंट नंबर 9, ये असाइनमेंट नंबर 9 में मैंने पहला पेज बनाया और इसको जब मैं ओपन करूंगा तो ये हमारा ओपन होगा वेब ब्राउजर पे और हाइपर लिंक लिखा होगा और इसमें कुछ लिंक बना हुआ है पेज 2 का, लेकिन पेज 2 हमने अभी नहीं बनाया है इसलिए पेज 2 जो है अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्लियर है। तो हम यहाँ पर देखते हैं आगे कि पेज 2 हमको फिर से यहाँ पर बनाना है। तो फिर से फाइल में गया, न्यू कर लिया और यहाँ पर पेज 2 बनाने जा रहे हैं हम लोग। पेज 2 के लिए फिर से हम HTML बनाएंगे और HTML को क्लोज करेंगे, बॉडी बनाना है। अब हमको यहाँ पर टारगेट भी सेट करना है, एक बार हम टारगेट को भी देखेंगे कि टारगेट कैसे सेट करते हैं। मैंने ये बॉडी बना दिया और यहाँ पर हमको सेकंड पेज में बोला गया है कि क्या क्या करना है। देखिए हाइपरलिंक बिटवीन टू पेजेस, क्रिएट ए मार्की एंड ऑल्सो इंसर्ट एन इमेज। एक मार्की बनाना है और इंसर्ट करना है एक इमेज को। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इमेज ले आ लेता हूँ, हमारे पास कोई इमेज होगी जैसे ये मेरी इमेज है, मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ अपने फोल्डर के अंदर। इसके अंदर मैं इमेज इंसर्ट करूंगा। तो इमेज इंसर्ट करने के लिए img टैग होता है IMGSRC और इसमें हम दे देंगे abc.jpg, क्लियर है। img टैग में एक alt करके एट्रीब्यूट होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइन कॉलेज। इसको भी हम देखेंगे कि alt क्या काम करता है और img टैग को क्लोज कर देते हैं, क्लियर है। img टैग के बाद हम यहाँ पर मार्की लगा देते हैं और मार्की को यहाँ क्लोज कर देते हैं। img से ही मार्की होगा, img जो है वो मार्की में दिखाई देगा, क्लियर। सेव कहाँ करेंगे, सेम लोकेशन पर। इसका नाम होगा page2.html और यहाँ पर हम page2.html को लेंगे और सेव कर देंगे, क्लियर। page2.html हमने लिया और अब मैं यहाँ पर पेज 1 को जब लोड करता हूँ तो ये मेरा पेज 1 इस तरीके से लोड हो रहा है और जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो पेज 2 जो है वो यहाँ पर लोड हो गया है। देखिए ये इमेज जो है वो मार्की हो रही है। तो इमेज की जो साइज है वो भी हम छोटी कर सकते हैं और इमेज यहाँ पर मार्की हो रही है। अब यहाँ पर हम हाइपरलिंक में एक टैग देखेंगे जिसका नाम होता है टारगेट। तो टारगेट को भी हम यहाँ पर समझते हैं। टारगेट एक एट्रीब्यूट है जिसके द्वारा हम उसके लोड होने के कंटेनर को सेट कर सकते हैं कि किस कंटेनर पर वो लोड होगा। तो चलिए देखते हैं टारगेट के बारे में होता है। तो हम यहाँ पर टारगेट एट्रीब्यूट देख रहे थे। टारगेट एट्रीब्यूट सेट करता है कि हमारा जो न्यू पेज जो लोड होगा ये वाला वो किस जगह पर होगा। तो मैंने टारगेट में अंडरस्कोर ब्लैंक दे दिया है। अंडरस्कोर ब्लैंक देने से क्या करता है, एक ब्लैंक टैब जो है वो ओपन होता है। ब्लैंक टैब ओपन होने के बाद उसमें नए पेज लोड होंगे, यानी कि ये वाला पेज जो है नेक्स्ट टैब में लोड होगा। तो आइए देखते हैं इसको रन करके कि कैसे टारगेट काम करेगा अपना। तो जब मैं पर पहले वो वाली फाइल ओपन कर लेता हूँ, पेज वन वाली फाइल जब मैं ओपन करूंगा और जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए एक ब्लैंक पेज ओपन हुआ यहाँ पर। पुरानी वाली जो फाइल है वो तो ऐसे ओपन की ओपन है, एक नया ब्लैंक ओपन हुआ और उसमें लोड हो गया। फिर से जब मैं इसमें क्लिक करूंगा तो फिर से एक ब्लैंक ओपन हुआ। तो इसका जो ओपन होने का टारगेट है वो नेक्स्ट ब्लैंक पेज है,
तो एक ब्लैंक पेज ओपन हो रहा है, देखिए कई बार ओपन हो गया ये। ठीक है, ये टारगेट सेट कर सकते हैं। टारगेट में हम बाय डिफॉल्ट अगर सेल्फ रखते हैं, ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पर सेल्फ रखता हूँ तब क्या होगा, सेल्फ रखने से जब मैं पेज वन को लोड कर देता हूँ और ये सारे चीजों को बंद कर देते हैं, केवल पेज वन ही खुला हुआ है, आप देख पा रहे हैं पेज वन खुला है, और जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो पेज वन हट करके पेज टू लोड हो जाता है, यानी कि रिप्लेस कर देता है। सेल्फ करने से इसी टैब पर ही रीलोड हो जाता है, सेल्फ करने से। क्लियर है? तो अगर मैं टारगेट में सेल्फ करता हूँ तो रीलोड हो जाएगा, या बाय डिफॉल्ट में इसमें कुछ नहीं लिखता तो सेल्फ ही रहता है वो। कुछ नहीं लिखने पर डिफॉल्ट जो टारगेट होता है वो सेल्फ होता है, यानी कि जब मैं इसमें क्लिक करूंगा देखिए पेज वन हट गया और यहाँ पर पेज टू जो है वो लोड हो गया है। क्लियर है? इस प्रकार से हम टारगेट को देख सकते हैं कि टारगेट जो है किस जगह पे पेज लोड होगा वो हम देख सकते हैं। तो टारगेट के कुछ पॉइंट्स भी है, वो भी देखते हैं हम। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि टारगेट जो होता है हमारा, उसका जो सिंटेक्स होता है वो टारगेट लिखते हैं और उसके बाद हमको उस टारगेट का नाम देना होता है। तो टारगेट में हम क्या क्या नाम देख सकते हैं, ब्लैंक, यहाँ पर देखिए टारगेट हमारा क्या क्या हो सकता है। ब्लैंक देने पर वो ओपन करता है डॉक्यूमेंट को एक नए टैब पर, सेल्फ देने पर वो डॉक्यूमेंट को उसी पेज पर लोड कर देगा, और ये डिफॉल्ट टारगेट होता है, यानी कि अगर आप कोई भी टारगेट कोड में नहीं लिखते हैं, एंकर टैग में कोई भी टारगेट नहीं लिखते, तो बाय डिफॉल्ट सेल्फ के अंदर ही जाता है वो। क्लियर है? इसके बाद है पेरेंट टारगेट, आप लिख सकते हैं। तो पेरेंट टारगेट जब आप लिखेंगे तो वो फ्रेम सेट पर काम करेगा, पेरेंट फ्रेम पर लोड कर देता है। क्लियर? पेरेंट फ्रेम उसको बोलते हैं जहाँ से कॉलिंग हो रही है, जहाँ पर क्लिक किया गया या जहाँ पर हाइपरलिंक उपलब्ध है। क्लियर है? टॉप में करने पर विंडो के टॉप में ये लोड करेगा, और आप किसी फ्रेम का नाम दे करके वहां पर भी लोड करा सकते हैं। तो टारगेट एक एट्रीब्यूट है जिसके द्वारा हम सेट करते हैं कि हमारा जो पेज है, नेक्स्ट पेज है, हाइपरलिंक वाला पेज है, वो किस जगह पर लोड होगा। क्लियर है? इस तरीके से हमने टारगेट एट्रीब्यूट को देखा। लगे हाथ हमने यहाँ पर मार्की टैग का भी यूज किया है और हमने इमेज टैग का भी यूज किया। तो चलिए देखते हैं कि इमेज टैग और मार्की टैग में कुछ और एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको भी आगे देख लेते हैं, लगे हाथ इन्हीं में क्लियर हो जाएगा वो। तो ऑल्ट जो एट्रीब्यूट है वो क्या काम करता है, आपका यहाँ पर जो भी आपने इमेज का नाम दिया है, किसी भी कारण से अगर ये इमेज लोड नहीं हो पा रही है, नेटवर्क स्लो है, या इमेज करप्ट हो गई है, फाइल करप्ट हो गई है, या फाइल डिलीट हो गई है, या लोकेशन चेंज हो गया है, फाइल का नाम चेंज हो गया है, कुछ भी चेंज हो गया, किसी भी कारण से अगर ये वाली फाइल लोड नहीं हो पाती तो ऑल्टरनेटिव फाइल जो है वो लोड हो जाती है। यानी कि आप ऑल्ट में कोई फाइल का नाम, कोई कोई यूआरएल, कोई टेक्स्ट आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा है, यानी कि ये पिक्चर अगर लोड हो जाती है तो कोई बात नहीं, ये नहीं आएगा। ये पिक्चर अगर लोड नहीं होगी तब ये लिखा हुआ आएगा। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारी पिक्चर तो लोड हो जा रही है बिल्कुल आसानी से, हम आसानी से यहाँ पे पिक्चर को लोड कर रहे हैं। देखिए ये हमारा प्रोग्राम है और इसमें जब हम सेकेंड पेज पे क्लिक कर रहे हैं तो पिक्चर हमारी लोड हो जा रही है, ये लोड हो गई है पिक्चर। अगर लोड नहीं हो पाती है, लोड नहीं करना है हमको, तो क्या करना होगा, लोड नहीं करना तो इस फाइल का नाम चेंज कर देते हैं, तो उसको ये वाली फाइल नहीं मिलेगी। मैंने नाम चेंज कर दिया, अब जब मैं इसको ओपन करके क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर पिक्चर जो है लोड नहीं हो पाई है। पिक्चर लोड नहीं हो पाई इसलिए ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो दिख रहा है। अब वहाँ पर कोई इमेज का नाम देते और वो इमेज मिल जाती तो वो इमेज यहाँ पर लोड हो जाती, या फिर कोई यूआरएल देते तो वो यहाँ पर लोड हो जाता है। इस तरीके से ऑल्ट टैब जो है वो काम करता है। चलिए इमेज के साथ हम एक और टैब देख लेते हैं जिसका नाम है इमेज मैप।